किसान सम्मान निधि योजना में अभी बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके बेनिफिशियरी स्टेटस में PFMS बैंक स्टेटस अकाउंट डिटेल इज अंडर रिवैलिडेशन प्रोसेस विद बैंक शो कर रहा है। जैसा कि यहाँ पर एक किसान का स्टेटस आप देख सकते हैं, इस किसान का यहाँ पर पहले पेमेंट मोड अकाउंट था, लेकिन जैसे ही इस किसान का पेमेंट मोड आधार हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट डिटेल इज अंडर रिवैलिडेशन प्रोसेस विद बैंक शो कर रहा है। तो यह प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इसका सुधार क्या है और यहाँ पर आप फॉर्म को एक्सेप्ट किस प्रकार करवा सकते हैं PFMS के द्वारा, तो यहाँ पर पूरी जानकारी छोटे से वीडियो में लेंगे। वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर किसान वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मिर्ची, टमाटर, बैंगन, मक्का वगैरह, कपास वगैरह सभी हम लगाते हैं। ये उस संचार में इतनी ताकत है, ये डालने के बाद इसमें रिजल्ट ये मिला कि एक तो इसकी जो जड़े हैं लंबी हो गई, पौधे में क्लोरोफिल बढ़ गया, पौधे की हाइट, ग्रोथ, फुटाव वो सब इसमें अच्छा हुआ। संचार सिर्फ एग्रोस्टार पर उपलब्ध। तो किसान पर सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम किसान के पोर्टल पर मैं आ चुका हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपकी फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम है, स्टेटस में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें स्टेटस भेज सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर आपको सबसे पहले जो ऑप्शन मिलता है बेनिफिशियरी स्टेटस का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर में से कोई एक डालना है। इंटर वैल्यू में आपको या तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है या फिर मोबाइल नंबर डालना है और इमेज को आपको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। न्यू टैब में ओपन करने के बाद यहां पर आपको इमेज को डालना है, गेट डाटा पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी स्टेटस जो एक किसान ने मुझे टेलीग्राम पर भेजा था, इससे बहुत सारे किसानों को अभी प्रॉब्लम आ रही है। अकाउंट डिटेल इज अंडर रिवैलिडेशन प्रोसेस विद बैंक और यहाँ पर पेमेंट मोड इनका आधार हो चुका है, पहले यहाँ पर अकाउंट था। और ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनको पहले किस्त मिल रही थी और उनको अभी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उनका पेमेंट मोड अभी अकाउंट से आधार हुआ है। और जिन्होंने अभी नया आवेदन किया है, जिनको पहले किस्त अभी मिलने वाली है, उनको अभी इस प्रकार की प्रॉब्लम अभी आ रही है। अगर यहाँ पर आपका अकाउंट डिटेल अंडर रिवैलिडेशन प्रोसेस दिखा रखा है तो आप सभी को सुधार किस प्रकार करवाना है, तो सुधार करवाने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाकर चेक करना है कि हमारे आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक है, एक्टिव है और वो कब लिंक हुआ है। अगर आपके आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक है और एक्टिव है तो आपको कोई भी सुधार नहीं करवाना है, आपको सिर्फ इंतजार करना होगा। इंतजार करने के बाद थोड़े दिनों में यहाँ पर यह तो फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाएगा या आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो यहाँ पर जो आगे जो खाली लाइन दिखा रखी है अंडर रिवैलिडेशन प्रोसेस विद बैंक के आगे, इसमें यहाँ पर आपका डेट शो करेगा कि इस तारीख को आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। बहुत सारे किसानों का यहाँ पर आगे रीजन भी शो करेगा। अगर यहाँ पर आपके सिर्फ डेट शो करता है और फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आप डैशबोर्ड ऑप्शन में जाकर लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है। अगर यहाँ पर थोड़े दिनों में एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका पैसा मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आपको रिजेक्ट का जो रीजन है वो डैशबोर्ड ऑप्शन में मिल जाएगा, वहां पर चेक कर लीजिएगा। और आगे यहां पर रिजेक्ट होने की डेट दिखाई गई, 21 तारीख को आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अभी आपका फॉर्म अंडर रिवैलिडेशन है, यानी अभी इसकी जाँच चल रही है। अगर आपके आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक पाया जाता है और जो भी बैंक अकाउंट लिंक है वो पीएम किसान योजना में एक्सेप्ट किया जाता है, यानी वो पैसे मिलने के लिए सही है, उसमें डीबीटी का पैसा आ सकता है, तो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा वरना रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहां पर थोड़े दिन का वेट करना होगा। बहुत सारे किसान जो टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे हैं, उन सभी किसानों का मेरा यही जवाब है, अगर आपको कोई भी समस्या है तो टेलीग्राम पर हमें भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद किसान मित्रों।